बिहार में इन दिनों एलियन जैसे बच्चों का लगातार जन्म हो रहा है। ताजा घटना भागलपुर के एक निजी नर्सिंग होम का है। इसके पहले 30 दिनों के भीतर ही पूर्वी चंपारण के चाकिया और पटना के पालीगंज में भी ऐसे बच्चों का जन्म हुआ था। अजीब शक्ल व चमड़ी वाले इन बच्चों को देखकर उनकी माताएं तक डर गईं। डॉक्टर इसे दुर्लभ बीमारी बता रहे हैं। भागलपुर के तातरपुर स्थित एक नर्सिंग होम में दोनों गांवों की एक महिला ने बीते 21 फरवरी को एक एलियन बेबी को जन्म दिया। इस अजीबोगरीब बच्चे को देखने के लिए अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे को लेकर परेशान माँ बाप इस भीड़ से और परेशान हो गए। नर्सिंग होम की डॉक्टर इमराना से शनिवार को वे अपने बच्चे को लेकर गांव चले गए हैं। इसके पहले पूर्वी चंपारण के बांसघाट पंचायत के नोनिया टोला की निवासी एक महिला ने अस्पताल में एक अजीब बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को देखकर अस्पताल कर्मी हतप्रभ थे तो मां भी डर गई। बच्चे का सिर नहीं था, चेहरा व आंखें काफी बड़ी थी। उसके जन्म के बाद वह चर्चा फैल गई कि अस्पताल में दूसरे ग्रह के जीव का जन्म हुआ है। फिर तो उसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। हाल ही में पटना के पालीगंज अस्पताल में भी एक महिला ने एलियन जैसे बच्चे को जन्म दिया था। महिला पालीगंज के आजिम नगर कॉलोनी की रहने वाली है। उस बच्चे का रंग हरा था तो शरीर पर कछुए की तरह धारीदार आकृति। इस बच्चे की अजीबोगरीब शक्ल व शरीर को भी देखकर मां डर गई थी। मुंह काफी बड़ा था लेकिन कानों व आंखों का विकास नहीं हुआ था। चकिया अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन एवं डॉक्टर आरएन मलिक ने बताया कि बच्चों में ऐसा परिवर्तन मां बाप के जिन में हुए म्यूटेशन के कारण होता है। ऐसे बच्चे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाते। भागलपुर की डॉक्टर इमराना बताती हैं कि मेडिकल साइंस में इस बीमारी को होलेक्वियन इच्थायरेटेट कहते हैं। ये त्वचा की बीमारी है जो किसी बच्चे की माँ बाप के जिन से मिलती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।